नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसटीटी मैथ्स के पेपर की। मैथ्स के पेपर के लिए क्या होगा कट ऑफ, क्या होगा प्रोबेबल एग्जाम डेट और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, इन तीन मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जो है 19 जनवरी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, कन्फर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है। कुछ अखबारों ने ऑलरेडी ये डेट पब्लिश कर दिया है। दोस्तों अब आते हैं बुक की तरफ कि कौन सी बुक मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रही है या पॉपुलर है। तो ये दोस्तों, इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अभी 25 दिन बाकी है एग्ज़ाम का। एसटीईटी का ये किरण की किताब है, इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखा है। वीडियो खत्म होने के बाद आप लिंक पे क्लिक करके इस बुक को देख सकते हैं। तीसरी बात आते हैं दोस्तों कट ऑफ पे। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा दोस्तों कि और जो स्टेट में एसटीईटी का पेपर हो रहा है वहाँ पर मैथ का क्या ट्रेंड रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्थ ईस्ट का, असम का जो एसटीईटी हुआ था वहाँ पर क्या हाल रहा था एग्जामिनेशन का। तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ गया अभी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हम आपको ले चलेंगे मैथमेटिक्स पे कि मैथमेटिक्स में कितना रहा था कट ऑफ। ये आ गया दोस्तों 54 आउट ऑफ 100, 54 नंबर 100 में जनरल और 48 ओबीसी के लिए। दोस्तों वहाँ पर 100 नंबर का पेपर था, अपने यहाँ पे 150 नंबर का पेपर है। तो 150 नंबर के पेपर के लिए जो प्रोबेबल कट ऑफ है वो आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। अभी अपने यहाँ पेपर 150 है, मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 75 है और बाकी दूसरे कैटेगरी वाले के लिए 67.5 है। तो इस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनता है दोस्तों, मेरे हिसाब से वो मिनिमम आपको 60% नंबर लाना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में। क्योंकि आप किसी भी स्टेट का कट ऑफ ऑनलाइन गूगल करके चेक कर लें, एमपी का, तमिलनाडु का भी हाल में रिजल्ट आया है, 60% के नीचे किसी भी स्टेट का कट ऑफ नहीं है, उसके ऊपर भले है। तो मिनिमम 90 अगर आप करते हैं तो आप सेफ जोन में होंगे, चाहे आपका कैटेगरी कोई भी हो। बाकी एसटीईटी के दूसरे तमाम अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे जाकर के आप कमेंट बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप बुक को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं एसटीईटी मैथ्स के लिए। थैंक यू।